बाय चलो टेक केयर बाय. सो फाइनली आवर स्टे इन दम्बुला कम्स टू एन एंड. सो इट वॉज फन 3 days. कल थोड़ा बारिश ने मौसम अच्छा भी कर दिया और हमारे प्लान्स थोड़े बिगाड़ दिए, बट नो रिग्रेट्स. हमने एंजॉय किया, जितने मेजर पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए. अब हम जा रहे हैं कैंडी की तरफ, जो कि यहाँ से एक 1.5 hour का ड्राइव है, 70 kilometers फ्रॉम हियर. वहाँ एक बार जाके देखेंगे वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी आर्कोलॉजिकल साइट्स है. सो वी हैड फन, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कैंडी. हमने अपना स्टे यहाँ बुक किया था एट द कैंडी गार्डन विला, विच वॉज अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. यहाँ पे हमें एक AC डबल रूम मिला फॉर अराउंड $13 फॉर अ नाइट, विच वॉज क्वाइट इकोनॉमिकल एंड वी लव द रूम. सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं कैंडी. इट वॉज अ गुड सीनिक ड्राइव. अब थोड़ा आराम करेंगे और निकलेंगे. यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स है जो हमें कवर करने हैं. वी हैव जस्ट 1 day इन कैंडी एंड हमें आज 2 दिन ज्वाइन करने वाले हैं. उसके बाद हम निकलेंगे कल एला के लिए. सो आज का थोड़ा हश बश वाला दिन रहने वाला है, जो भी होगा आपको इस व्लॉग में दिखेगा. सो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपको एक ब्रेक के बाद. कैंडी एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे आप बहुत सारे वॉर और टेंपल रेलिक्स देख सकते हो. यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का द टेंपल ऑफ तूत रेलिक. इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बट इसको मैं जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में समझाऊंगा आपको इस व्लॉग में. यहाँ पे श्रीलंका में एक चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है. श्रीलंका नहीं, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज, यहाँ पे कोई टेंपल्स या फिर सेक्रेट प्लेस आप विजिट कर रहे हो, यू हैव टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली. मैडम आज स्कर्ट पहन के निकली थी, सो अलाउ नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे कुछ पुलिसमैन थे, जो पुलिस लेडीज थी, उन्होंने उनका शॉल इसको दिया है, सो दैट शी इज़ वेयरिंग दिस. सो एनीथिंग अबाउ द नी इज नॉट अलाउड, स्लीवलेस इज नॉट अलाउड. सो आप नेक्स्ट टाइम आओगे ऐसे सब जगह पे, एनी पार्ट ऑफ एशिया, थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया, श्रीलंका, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, इफ नॉट फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर द मॉडेस्टी ऑफ द एरिया. सो या श्री दलादा मलिगावा, ये एक सिन्हलीज वर्ड है जिसे हम द टेम्पल ऑफ तूत रेलिक भी कहते हैं. सो यहाँ पे आपको एंट्री के लिए लगेगा 2000 LKR पर पर्सन. सो यहाँ पे एक अच्छी सी वेंडिंग मशीन रखी गई है, सो विद मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन यू कैन एंटर दिस टेम्पल. सो इस टेम्पल में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है उनका एक तीत रखा हुआ है. और ये इतना प्रोमिनेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि जिनके पास वो तीत रहता है वो उस लैंड को गवर्न करता है या फिर वहाँ का लीडर बन जाता है. सो इसका बहुत ही महत्व है. सो दिस स्टार्टेड ऑल इन इंडिया, इंडिया में उड़ीसा में जो अब पुरी कहलाया जाता है, वहाँ पे गौतम बुद्ध के तीत, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ से उनका तीत मिला था, वो रखा गया था. बट ड्यू टू मास कन्वर्शन हिंदू किंग्स ने उन पैलेस पे अटैक करना चालू किया एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय द तूत. सो उस तूत को लेके जो वहाँ के वंशज थे वो श्रीलंका आए थे एंड दे केप्ट इट हियर. बस इसके बाद जब पोर्चुगीज ने श्रीलंका पे इन्वेड किया था, उन्होंने ये तूत वापस यहाँ से इन्वेड किया, ले लिया, वापस इंडिया लेके गए टू द प्लेस ऑफ गोवा, जहाँ पे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया. बट एज़ पर हिस्टोरियंस दे टुक द रेप्लिका ऑफ द तूत, मतलब नकली दांत लेके गए थे और उसको डिस्ट्रॉय किया. अभी भी असली दांत इस टेम्पल में रखा गया है. सो दिस इज़ द मेन प्रोमिनेंस ऑफ दिस टेम्पल. सो उस दांत का पूजा आज भी होता है एंड दिस वॉज अ वंडरफुल साइट एंड यू मस्ट नॉट मिस दिस. Thank you.
दिस होल प्रोसेस वॉज सो मैजिकल, हमें एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला. सो आई वुड से इफ यू आर कमिंग टू कैंडी प्लीज डू विजिट दिस प्लेस. सो फाइनली डन विद द टूथ रेलिक एंड द लेक व्यू. लेक व्यू में ज़्यादा ही हेवी रेनफॉल थी इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. अब हम पहुँचे हमारे होटल वापस. अभी कुछ खाने निकल रहे हम लोग. सो यहाँ पे हमें आज ज्वाइन किया है श्रेया ने और अदिति ने. सो दो जन और ज्वाइन हो चुके हैं हमारे ट्रिप पे. अब आएगा मज़ा. यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ के एक फेमस ईटिंग जॉइंट. उसका नाम क्या है मैं भूल गया. एक बार वहाँ पर पहुँचता हूँ आपको दिखाना. हाँ, दिंडीगुल करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग. यहाँ पे मोस्ट सजेस्टेड नेम था उस रेस्टोरेंट का, श्रीलंकन क्यूजीन. एक बार वहाँ जाके हम आपको बताते कि हम क्या खाने वाले हैं और वहाँ का फूड कैसा है. सो लेट्स गो. श्रीलंका में द फूड इज़ नेवर डिसअपॉइंटिंग. इन चार दिनों में मैंने बुरा खाना बिल्कुल नहीं खाया एंड दिस प्लेस ऑल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग एंड इट वॉज. सो वी एंडेड अप ईटिंग द नॉर्मल श्रीलंकन थाली विच वॉज नॉट दैट स्पाइसी. इतना स्पाइसी नहीं था जितना मैं पिछले तीन दिनों से खा रहा हूँ, बट वी एन्जॉयड इट एंड वी डिसाइडेड टू कॉल दिस अ डे. आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुमारो. कल हम निकलेंगे एला के तरफ जहाँ पे है अशोक वाटिका और हनुमान टेम्पल विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू विजिट. सो कल का दिन कैसा रहेगा आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. सो गाइज आई होप यू आर लविंग दिस होल श्रीलंका सीरीज. सो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर. बाय बाय.